नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में। दांत दर्द, दांतों के छेद, दांतों का सड़ना, पायरिया और मसूड़ों में सूजन हो तो ये एक दिन में असर दिखाए। दोस्तों, हमारी नित्य ब्रश करने के बाद भी अक्सर दांतों में छेद हो जाना या दांतों का सड़ जाना या पायरिया और मसूड़ों में दर्द, खून और सूजन बहुत आम समस्या बन गई है। क्या हमने इस पर गौर किया कि दिन में दो बार ब्रश, वो भी महंगी से महंगी पेस्ट का इस्तेमाल करने के बाद भी हम दांतों में कीड़ा लगना, दांतों में छेद होना, दांतों का सड़ना आदि रोगों से परेशान रहते हैं। तो आज हम आपको इसके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जो आपकी इस सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से मिटा देगा। दोस्तों, हमारे दांत की संरचना में मिनरल, विटामिन ए और डी और कैल्शियम की अहम भूमिका रहती है, इसलिए इनको बचाने के लिए इनकी पूर्ति अति आवश्यक है। भोजन में ऐसी चीज़ें जरूर शामिल करनी चाहिए जिनसे ये ज़रूरतें पूरी हो सकें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप चाय या कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप चाय कॉफ़ी छोड़ सकते हैं तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा, दांतों से संबंधित कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको दांतों को नायलॉन के ब्रश और टूथपेस्ट से घिसना बंद करना चाहिए। इसकी जगह पर मंजन का इस्तेमाल करें। मंजन सही से उपयोग करने का तरीका है कि मंजन को बीच वाली बड़ी उंगली से मसूड़ों और दांतों पर अच्छे से 10 मिनट तक लगाकर रखें और फिर मुंह से गंदा पानी निकलेगा। 10 मिनट के बाद दांतों को साफ पानी से धुलाई कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दांतों को साफ कैसे करना है। बबूल की लकड़ी का कोयला 20 ग्राम कूटकर कपड़े से छानकर राख कर लो। 10 ग्राम फिटकरी को तवे पर सेक लीजिए, ये बिल्कुल चूर्ण बन जाएगी। 20 ग्राम हल्दी, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। अभी सुबह मंजन करते समय इसको लो और इसमें 2 बूंद लौंग का तेल लेकर इसको अच्छे से मिला लो। इस मंजन को एक तो जो दांत खराब हो चुके हैं उस खराब दांत के ऊपर उंगली की मदद से कुछ देर तक लगाकर रहने दें और जहां दांतों में गड्ढा है उस गड्ढे में भी ये मिश्रण भर दीजिए। अभी बाकी मंजन को दांतों और मसूड़ों पर उंगली की मदद से अच्छे से लगा दीजिए और कम से कम 10 मिनट तक लगा रहने दें। दोस्तों, पायरिया में तो ये सिर्फ 2 दिन में ही आराम दे देगा। हिलते दांत भी पत्थर से मजबूत हो जाएंगे और कैविटी के लिए इस मंजन को 1 से 3 महीने तक इस्तेमाल करना है। और दर्द अगर आपके दांतों में है तो वो पहले दिन से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ सुबह उठते ही 10 ग्राम नारियल का तेल या तिल का तेल लेकर मुंह में भरें और 10 मिनट तक मुंह में उसको घुमाते रहें, अर्थात कुल्ले करें। इसके 10 मिनट के बाद इसको थूक दीजिए। ध्यान रहे, इसको पीना नहीं है। इस प्रकार रात को सोते समय भी करें। इस विधि को गंडूसकर्म भी कहते हैं। इस विधि से दांतों की नव संरचना शुरू होती है। इसके साथ में आपको हर रोज 10 से 15 ग्राम आंवला भी खाना है और हरी सब्जियों का सेवन आप जरूर करें। दिन में अगर गाजर, पालक, मौसमी, चुकंदर, अनार, टमाटर मिले तो आप इनको जरूर खाएं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भोजन सिर्फ मिट्टी की हांडी या कांसे के बर्तन में ही बनाएं। अभी आप ये पूछेंगे कि मिट्टी में खाना कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले अच्छी मजबूत मिट्टी की हांडी लीजिए। इसको रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए। दूसरे दिन इसके अंदर सरसों का तेल लगाएं और इसमें पानी डालकर चूल्हे पर धीमी आंच पर पकने दें। जब ये पानी उबल जाए तो इसको नीचे उतार लीजिए। बस तैयार हो गया आपका बर्तन इस्तेमाल करने के लिए। इस बर्तन में आप अपनी दाल, सब्जी, चावल कुछ भी बना सकते हैं। बस जब इसमें भोजन बनाना शुरू करें तो पहले थोड़ी देर धीमी आंच पर शुरू करें, धीरे धीरे आंच बढ़ाएं। दोस्तों, आप जो गैस का या इन बर्तनों में बना खाना खाते हैं, जैसे कि स्टील के बर्तन हो गए,
एल्युमिनियम के बर्तन हो गए, आप इस मिट्टी की हांडी में अगर बना खाना खाएंगे तो आप खुद उंगलियां चाटते रह जाएंगे, उसके स्वाद के आगे आपको खुद लगेगा कि बाकी सारे स्वाद फीके हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी मिले तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम हमारी ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।